गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि मैं ब्लू नेक्टर ब्रांड के दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये बैक एंड जॉइंट ऑयल मैंने लिया था और मैंने सोचा कि पहले मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगी कि कितना ये असरदार है भी या नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्रांड है ये सिर्फ नेचुरल चीज़ों से अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी तक इसमें कोई भी एडिटिव केमिकल्स और प्रेजर्वेटिव्स नहीं डाले हुए हैं। और ये जो बैक एंड जॉइंट ऑयल है ये 17 हर्ब से बनी हुई है। ये 100 ml की बॉटल है। प्राइसिंग की बात कर ले तो यस इट इज़ लिटिल कॉस्टली, जैसा कि मैंने हेडबाम में भी बताया था आपको कि प्राइसिंग हाई ही रहती है। और अगर आपको मैं बता दूँ कि इसमें 7 वाइटल हर्ब्स है, जैसे कि सिनेमन, दालचीनी, क्लोव, दसमूल, दियोदारू, और भी क्या है, क्लोव ऑयल है, महानारायण तैलम है। आपको बता दूं मैं कि महानारायण जो तेल होता है वो जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। धनवंतरम तेल, महामश तैलम, ये कुछ कुछ है जिसे मिलके बनाए हुए हैं। सिनेमन जो है, दालचीनी जो है, वो मेन इंग्रेडिएंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाली जो तेल है ये मेन एंड वेमेन कोई भी लगा सकते हैं, और बैक बोल लीजिए, शोल्डर पेन बोल लीजिए, नी पेन, या किसी तरह का भी कोई भी पेन हो, आर्थराइटिस हो, अदर जॉइंट पेन्स हो, या कभी कभी क्या होता है ना, नस खींच जाती है तो कैसे एक दर्द सा होने लगता है, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ये जो नीचे रेड मार्क देख रहे हैं ये भी मैंने बताया था पहले कि मिनिस्ट्री अप्रूव्ड है, आयुष ने की है, और ये प्रोडक्ट आपको करीबन 3 साल चलेगा। हाँ, ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन टोटल 17 हर्ब्स के बारे में। क्लोव, सिनेमन, महानारायण, मंजीत, मुलेठी, टर्मरिक, तेजपत्ता, जटामंसी, धनवंतरम, महामश, दशमूल, अश्वगंधा, दियोदरू, कूट, सतावरी, गोखरू। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी प्रेजर्वेटिव, कलर और कुछ भी एक्स्ट्रा बाहरी तत्व नहीं मिलाए हैं। और ये आपको एक साइड में यूसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कहाँ लगाना है, बैक पेन हो, नी पेन हो, शोल्डर में पेन हो, कहीं भी लगा सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूज करना है नहीं करना है ये अप टू यू है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूंगी कि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, ये पूरी की पूरी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। तो यूज करना ना करना आपके ऊपर है, आप सोच समझ के यूज करिए। तो चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये बॉटल है, बॉटल दिखने में काफी रॉयल लगती है, मैं आपको बता दूं। ये 100 ml की बॉटल है, ये बॉटल भरी रहती है, पूरी नहीं भरी रहती लेकिन फिर भी काफी भरी रहती है। ये आप देख रहे हैं, ये इतना कम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यूज किया है। तो आप देख रहे हैं मैंने इतना यूज किया है इसलिए कम है। तो अगर हम बात कर ले कि कितना इफेक्टिव है या नहीं है, तो मैं आपको इतना बताऊं कि मैंने जब भी यूज किया है मुझे रिलीफ महसूस हुआ है। हाँ, और अगर आपको काफी पेन रह रहा है, मतलब डेली बेसिस पे पेन रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बॉटल लगाया और वो पेन खत्म हो गई, आपको इसे कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे यूज करने पे, कि जब भी मुझे पेन रहा, मैंने यूज किया है, तो मुझे रिलीफ मिला है, काफी अच्छा खासा रिलीफ मिला है। तो यही था मेरा रिव्यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन से प्रोडक्ट्स पे आप कुछ भी देखना चाहते हैं या फिर कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टिल देन, बाय बाय।